प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट के लिए भारत को अमेरिका और इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया है। तो इसी इंटरेस्टिंग मुद्दे पे आप देखेंगे इन पाकिस्तानियों की कैसे जली और पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। भारत को परमानेंट सीट दे दी जाए, क्यों? भारत डिजर्व करता है तो उसको सीट मिलेगी ना। अब पाकिस्तान या दूसरे ममालिक जो हैं, जिनकी जितनी इज्जत भाई, अब दूसरे ममालिक जो भारत है वो चीज़ें ईजाद कर रहा है, उसकी काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छी वो जितनी भी तरक्की कर रहा है, उस लिहाज से वो डिजर्व करता है कि उसको सीट मिले। डिजर्व करता है ना वो। ऐसा क्या काम किया है भारत ने ह्यूमैनिटी पर, या फिर अगर हम ओवरऑल बात करें कि आज यूएस की गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि भाई उनको मिलनी चाहिए परमानेंट सीट। गवर्नमेंट खुद बोल रही है, इसका मतलब वो ये डिजर्व करते हैं, वो तरक्की करते हैं, वो काम करते हैं, दिन ब दिन उनकी कोई ना कोई चीज़ लॉन्च हुई होती है। दिन ब दिन वो हर दिन उनका कोई ना कोई न्यू से न्यू टैलेंट बाहर आता है, उनका दिखता है कि भाई वो लोग हैं, उन्होंने तरक्की करनी है, उन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से हमारी थोड़ी वैल्यू कम है, उनकी वैल्यू हाई है। उनका जहाँ हम लेकर जाते हैं अपने कश्मीर का मुद्दा, अपने बहुत से मुद्दों को लेकर जाते हैं, वहाँ की परमानेंट सीट भारत हासिल करने वाला है, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई दिन ब दिन उनका चल रहा है, तो दूसरे लोग देखते हैं, काफ़ी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीज़ें ईजाद होती है, लोग यूज़ करते हैं, तो अब जो है भाई लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जो गरीब है उसको कौन पूछता है? अब जिसके पास वो बाबा है बस उसी तरफ लोगों ने जाना है, नहीं तो नहीं जाना बस। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि इंडिया के ऐसे कौन से डेवलपमेंट काम है या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जिसको वर्ल्ड देख रही है? पहले दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने कहा कि इंडिया को परमानेंट सीट दो, अब गवर्नमेंट यूएस की खुद कह रही है कि मिलनी चाहिए उनको। जब गवर्नमेंट कह रही है फिर दुनिया वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा देखिए। अच्छा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट अगर क्योंकि गवर्नमेंट अगर फैसला ले लेती है ना, फिर दूसरों का तो कोई इसमें है ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है, ऊपर से उन्होंने गवर्नमेंट ने भी कोई चीज़ देखी है तो वो कह रही है, ऐसी तो फिर कोई बात नहीं, कोई ऐसे कहता नहीं है फजूल। जारी बात है उनकी भाई, उनका लेवल हाई है, वो कमाते हैं, उनकी तरक्की है, दिन ब दिन वो कोई ना कोई चीज़ें लॉन्च करते हैं, उनका काफ़ी पता चलता है कि वो कुछ कर रहे हैं। यहाँ हमारे ममालिक में क्या है ऐसा कि वो लोग हमारी तारीफ करें? हम तारीफ के काबिल रह ही नहीं गए अब। अच्छा मुझे ये बताएं चाइना को भारत कैसे टक्कर दे रहा है? चाइना को भारत दे रहा है भाई, चाइना भी अपनी तरफ से लेवल हाई कर रही है, तो भारत भी दिन ब दिन, अब उनका थोड़ा सा है भाई कंपटीशन लेवल चल रहा है उनका, तो देखिए अब कौन क्या होता है, अब देखें क्या होता है। लेकिन चाइना का क्या बनेगा अगर ये परमानेंट सीट मिल गई भारत को? तो भाई चाइना फिर भाई बैठे, अगर परमानेंट भारत को मिलती है तो मिले, वो डिजर्व करता है, तभी तो उसको मिल रही है। अगर गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया कि भाई उसको देनी है तो दे दो। ऐसा क्या है भारत के अंदर? भारत अपनी लेवल रख रहा है, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, वो एक मिनट भी अपनी आंख नहीं बंद करेगा, यानी कि उसने अपनी सांस लेनी, उसने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, वो नहीं पीछे बैठ रहा। आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा मकसद वही है आपसे पूछना, आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं भाई? अपनी ज्यादा से ज्यादा लॉन्चिंग उनकी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, और उनके अंदर एक इखलाक एक तरह पता चलता है भाई, लोगों को देख के पता चलता है वो ये चीज़ें करते हैं, तो वो इतना उनको गवर्नमेंट भी उनको दे रही है, तो जाहिर बात होगा कुछ। आपकी नज़र में उनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या बात है, चलिए जी थैंक यू सो मच। वैसे अच्छी बात है, उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं कि भारत वाले कि उनको एक परमानेंट तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि उनका टैलेंट उनकी हर चीज़ हाई लेवल पर जा रही है। क्या हाई लेवल पर जा रहा है? मतलब सब कुछ हाई लेवल पे जा रहा है, ये जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें लॉन्च नहीं है वो इंडिया में हो चुकी हैं, ये जो हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं ये पाकिस्तान की लॉन्चिंग नहीं है, ये सबको पता है ये इंडिया की लॉन्चिंग है, ये आईफोन जिसके मुकाबले में लोग बड़ा उछलते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ इंडिया की बदौलत में, हमारा पाकिस्तान में कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ से चीज़ लॉन्चिंग होती है पाकिस्तान में आती है। मुझे ये आप ये बताइएगा, अक्वामे मुत्तहिदा में हम हमेशा बहुत से मुद्दे लेकर जाते हैं, वहाँ अगर भारत को परमानेंट सीट मिल गई, क्योंकि अब यूएस की गवर्नमेंट इलॉन मस्क खुद बोल रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस भी किया जा रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे? क्या करेंगे, बस हाथ पे हाथ धरा बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी या कुछ करेगी, अभी तक पाकिस्तान अवाम ने कुछ नहीं किया तो आगे वाले वक्तों में क्या करेगी? वो सिर्फ देखती रहेगी कि अगला मुल्क
कहाँ तक पहुँचा है, फलाह कहाँ तक पहुँचा है, सिर्फ बस ये पाकिस्तान को खुद को यार देखो, पाकिस्तान में भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है, भरा हुआ है उन पर टैलेंट, लेकिन वो शो अप नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते, ये हमारे पाकिस्तान हुक्मरान नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें थोड़ा सा। दूसरे ममालिक दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, दिन ब दिन, मैं तो कहती हूँ कि वो ऐसे करें जैसे किसी से कॉम्पिटिशन ही उनका चल रहा, ऐसे हो रहा, लेकिन पाकिस्तान ये देखने के बावजूद उसी लेवल पर आगे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। इंडिया कैसे आगे बढ़ गया, अक्वामे मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस? इंडिया ऐसे बढ़ गया, वो अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ता है, ठीक है, उन पे टैलेंट इतना ज़्यादा है और वो शो भी करवाते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज़ हमने करनी है और करके दिखानी है, वो ये नहीं कहते कि हम करेंगे आने वाले फ्यूचर में, पाकिस्तान कहते हैं चले हम कोशिश करेंगे, हम करेंगे, ये करेंगे जो कर सकता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है, और वो जो इंडिया ना वो करके दिखाता है, और वाकई ये नज़र भी आता है दूसरे ममालिक को, हमें भी नज़र आता है कि इंडिया जो कहता है वो करके दिखाता है, जो भी है, बाइक है, ये जो इलेक्ट्रिक का हमने सुना था, इलेक्ट्रिक कार या ये लॉन्चिंग करवानी है इंडिया वालों, तो इंडिया वाले क्यों हर बार इंडिया का नाम क्यों आता है और हम ये क्यों नहीं सुनने को देखते कि पाकिस्तान ने ये चीज लॉन्च की है। पाकिस्तान में वही पुराने जमाने की 2009 की वही रेलवे स्टेशन वाली गाड़ियां, ट्रेन आज तक सफर करते आ रहे हैं, वही जरा सी भी चेंजिंग नहीं आई ट्रेन में, इधर से उधर चेंजिंग नहीं आई। अब तो अक्वामे मुत्तहिदा भी हमारी बात नहीं सुनता है भाई, अब सुनेगा भी क्यों, उन्होंने हमारे पाकिस्तान के हालात नहीं देखे, पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं देख रहे, वो क्यों सुनेगा भाई, मैं तो जो सही है उनके साथ हूँ, जो मुल्क तरक्की कर रहा है, जो मुल्क आगे बढ़ रहा है उसको अप्रिशिएट करो, और जो नहीं कर रहा है उसको करने की कोशिश करो यार, वो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जान के नहीं बढ़ रहा वो। अच्छा ये बताएं, चाइना की तो वैसे बड़ी लगती है भारत के साथ है ये मौका, मैं तो कहती हूँ जैसे इंडिया भारत वालों को कहा ना कि ये परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, चाइना ने सुनना ना, उन्होंने बस ना उनका पारा हाई हो जाना कि भाई उनको क्यों मिलनी चाहिए, हमें मिले, हर ममालिक ये चाहता है कि हमें मिले सीट परमानेंट, दूसरे ममालिक को क्यों मिले, हर किसी की अपना कॉन्फिडेंस है, अपना लेवल है हर किसी का, तो जो मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है इस चीज़ का, जो मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है इस चीज़ का, ऐसी कौन सी मेहनत की है उन्होंने ये बताएं। क्या आप कह रही हैं कौन सी की है, ये मुझसे पूछे कौन सी नहीं की मेहनत, हर चीज़ से मेहनत की है वो, हर तरीका उनका रहन सहन उनका इखलाक सब डिफरेंट है इंडिया वालों का, माना कि हमारा मुखालिफ टीम है, मतलब मैं ये नहीं मैं पाकिस्तान को डिग्रेड कर रही हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान करने को तो इंडिया से भी आगे जा सकता है पाकिस्तान, लेकिन हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं सोचते ये करने में कि हमने भाई अवाम के लिए कुछ करना है, हमने उनके फ्यूचर के लिए कुछ करना है, जो भी अगर बात करें हमारे एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ, हमारे पाकिस्तान की एजुकेशन इतनी लो है, अगर दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करें तो मुकाबले में नहीं आ सकती हमारी एजुकेशन, हम खुद, मैं खुद सेकंड ईयर में हूँ, हमारे खुद टीचर्स हमें इतनी अप्रिशिएट नहीं करते हमें पढ़ाई के मामले में, स्टडी के मामले में कुछ नहीं बताते हमें, दूसरे ममालिक में जाओ उनका बच्चा बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता है। ये बताएं उनके लिए सबसे पहले परमानेंट सीट की ट्वीट की थी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क ने और उनकी ट्वीट को सपोर्ट किया है अमेरिका ने, हमारे लिए क्या ट्वीट्स की जाती है या हमें किन अल्फाजों में याद किया जाता है, किसी अच्छे काम के लिए किया जाता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान को किसी अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाएगा, पाकिस्तान दूसरे ममालिक में जाता है लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस पाकिस्तान भेज देते हैं, ये क्या है, पाकिस्तान खुद अपना लेवल कम कर रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि दूसरे ममालिक में जाए पता लगे भाई पाकिस्तानी अवाम आई है दूसरे ममालिक, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, पाकिस्तान अवाम जाते हैं और वो धक्के खा के वापस आ जाते हैं अपने ममालिक में। क्या हमें कभी किसी बड़े ओहदे पर फाइज किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता, जैसे कि हम मैं हालात देख रही हूँ अपने पाकिस्तान के कि हम किसी हाई लेवल के मुकाम पर पहुँचेंगे तो मुझे नहीं लगता, मैं तो कहती हूँ कि इंडिया ये डिज़र्व करती है परमानेंट सीट बिल्कुल कि वो बैठे। हम अक्वामे मुत्तहिदा का रुख करेंगे क्या? क्या करेंगे यार पाकिस्तान, मैं क्या कहूँ पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान से बहुत सैड हूँ कसम से, पाकिस्तान कुछ नहीं करता अवाम के लिए, कोई नहीं सोचता या अवाम के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, हर मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अलावा दूसरा ममालिक हाई लेवल पे जा रहा है, मुझे ये सुन के कसम से दिल्ली मुझे अफसोस है हमारे पाकिस्तान होने पे, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है कि हम शो नहीं करते, कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान स्टिल हल्ला बोलेगा कि उनको परमानेंट सीट के दावे क्यों किए जा रहे हैं उनके लिए? देखें कौन ममालिक चाहता है कि उनको सीट मिले, कौन चाहता है, कोई चाहता है कि वो हाई लेवल पे पहुंचे? अमेरिका चाहता है, वो अमेरिका चाहता है ना, तो उनका लेवल देख के चाहता है ना, उनका कॉन्फिडेंस देख के चाहता है ना कि भाई वो डिजर्व करते हैं ये जगह, तो इस वजह से उनको परमानेंट मिल रही है। अगर हमारे पाकिस्तान कुछ मतलब सुनेगा, मिसाल के तौर पे हुक्मरान ने सुन लिया, हुक्मरान कहेगा हमें क्यों नहीं मिली, हमें क्या ऐसी कमी है, भाई अपनी कमी अपने अंदर जा के देखो क्या आप लोगों के पास टैलेंट है, आप लोग शो नहीं करवाते, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी मजेदार और एंटरटेनिंग लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें
और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।